अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारिस उस्मानी ब्लॉग। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है वाइट बिरयानी। और वाइट बिरयानी कैसे बनती है आज इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे, और चिकन मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिया है दही। और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया, एक चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे, एक चम्मच के करीब हम इसमें जीरा डालेंगे, इतना ही हम एक चम्मच के करीब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे भर के। 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे काली मिर्च। और अब हम इसमें 2 पैकेट क्रीम डाल देंगे, और इसको दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही तकरीबन हमने इसमें 1 किलो के करीब लिया है। ये देखिए सारे मसाले हमने दही में ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे अपनी चिकन, और इसको हम मैरिनेट कर देंगे, और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चिकन हमारे पास है तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब हमारी चिकन है। हमने जा रहे हैं काजू का पेस्ट, उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे 1 कप के करीब काजू, और वो हम सारे डालेंगे ब्लेंडर में। और फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और उस अच्छे से ब्लेंड करके उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा काजू का पेस्ट तैयार हो गया है, और अब हम उसको एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे दही को, दही गया इसके अंदर, देन फिर इसके अंदर डालेंगे पुदीना। पुदीना डालने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग हरी मिर्च, अच्छे से ऐड कर लेंगे। हरी चटनी तैयार हो जाएगी हमारी, देन हरी धनिया इसके अंदर जाएगी, अच्छे से ऐड करेंगे हरी धनिया को भी इसके अंदर। ये देखें पूरा जूसर ऊपर तक लोड हो चुका है। ये देखें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जिस वक्त हम जूसर को चलाएं तो अच्छे से सारी चीज़ें ब्लेंड हो जाएं। दही के साथ जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। देखिए अच्छे से हमारी चटनी तैयार हो गई है, अब इसको हम ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी के अंदर। और बाकी जो हमारी प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे किस तरह से वाइट बिरयानी बनानी है। बहुत ही मशहूर हो गई है वाइट बिरयानी, पहले नॉर्मली बिरयानी बनती थी लेकिन अब ट्रेंड आ चुका है वाइट बिरयानी का। सबसे पहले हम डालेंगे घी को अच्छे से, देखें घी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। घी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज को, यह है काली मिर्ची, यह है तेज पत्ता, लकड़ी, लौंग और इलायची। ओके, ये सब चीजें इसके अंदर ऐड कर दी जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज को, और प्याज कैसे रखना है, पूरा ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है प्याज को अच्छे से। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे से ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 किलो मुर्गी के हिसाब में सारे अज्जा ऐड किए जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको डिवीज़न कर लें, कम पकाना है तो कम कर लें। अब यहाँ पे जो हमने ये मिर्चों का और हरी चटनी का एक पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए बिरयानी जो है वो तो सबकी फेवरेट होती है, लेकिन ये है वाइट बिरयानी, तो ये भी इंशाल्लाह इस ब्लॉग के बाद सबकी हो जाएगी फेवरेट। ये हमने डाल दिया काजू का पेस्ट, ये नॉर्मल काजू है जिनको पीस के पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर क्रीम, ये एक जो पाउच होता है तकरीबन 250 ग्राम वाला ये वो है। अब इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच जाएंगे इसके अंदर। काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, और फिर इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी तकरीबन 1.5 से 2 चम्मचे के करीब जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है पिसा हुआ ज़ीरा, तो अब इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे, और अच्छे से देखें हमारी ग्रेवी यहाँ पे मिलना शुरू हो गई है, मिक्स होना शुरू हो गया। और देखें टेक्सचर कितना अच्छा आया है, माशाल्लाह से लाजवाब टेक्सचर आ रहा है, और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब उठ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, नमक हस्बे ज़ायका इसमें ऐड किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा नमक डाल लें, कम नमक खाते हैं तो कम नमक डालें। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे, पका लेंगे, और फिर इसके अंदर जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में मैरिनेट करके रखी थी चिकन उसको ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इसके अंदर मिला ली हैं, और यहाँ देखें हमने ये रीबो चिकन जो हमने सुबह मैरिनेट करके रखी थी, इसमें क्या क्या चीज़ें गई थी वो आपको पता है, नहीं पता तो एक बार पीछे जाके आप देख सकते हो।
यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो रहा है, ग्रेवी तैयार है, खूबसूरत टेक्सचर आ चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे चिकन और फिर इन सारी चीज़ों को मिला के लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे अब चिकन हम मसाले के अंदर ऐड करते जाएंगे और हाथ के हाथ उसको मिलाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हाई फ्लेम पे पक रहा है और काफ़ी गाढ़ा टेक्सचर है इसका, आप जैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से ऐड करनी शुरू कर दी, काफ़ी सारी चिकन है ये देखें। अदहन हमारा तैयार हो रहा है, इसके अंदर कड़ी पत्ता और बाकी सारे रवाजमात हमने डाल दिए हैं ये सारे, और नमक ऐड कर रहे हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे चावल और यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी तैयार हो रही है, और ये सारी चीज़ें जब मिक्स होंगी, लेयरिंग होगी, तो फाइनल आपको दिखाएंगे। अदहन के अंदर हम डालेंगे वाइट बिरयानी का अदहन, थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इसके अंदर डाल दिया हमने धनिया, देखें अच्छे से उबाल आया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं पुदीना, ये देखें अच्छे से ऐड कर देंगे और उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल, ये देखें एहतियात से इसमें चावल भी हम ऐड कर लेंगे, और आप स्टीम देखें कितनी ज़बरदस्त उठ रही है इस वक्त, यानी कि अदहन का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब इसको हम उस वक्त पकाएंगे तकरीबन 2 कनी चावल पक जाएगा, थोड़ा सा कच्चा रहेगा ताकि फिर जब भाप लगाई जाएगी। और ये देखें हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है, और अच्छे से हम इनकी लेयरिंग कर लेंगे। देखें यहाँ पे हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई थी, चावल की एक लेयर लगाई है, अदहन हमने अच्छे से तैयार कर लिया था, और अच्छे से बूटियों को फैला लेंगे। पे अच्छे से लेयर लगा दी थी हमने, अब ये सेकंड लेयर है, फिर से हम चावल इसके ऊपर डालेंगे, एंड देन जब चावल इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएंगे। ओके, अब हम लगा रहे हैं इसकी सेकंड लेयर, इसमें हम धनिया पुदीना नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अदहन के चावल में सारी चीज़ें अच्छे से ऐड कर दी थी। अब यहाँ पर देखें सेकेंड लेयर लगना शुरू हो चुकी है, और अच्छे से बूटियाँ डालेंगे इसके अंदर। तो ये देखें हमारी सेकेंड लेयर लग चुकी है, अब ऊपर हम डालेंगे चावल, तो चावल इसके ऊपर आ जाएंगे, ये सेकेंड लेयर को अच्छे से कवर कर देंगे, और हमारी जो वाइट बिरयानी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अब हम इसको लगाएंगे दम पे, जब ये दम पे लग जाएगा और इसके ऊपर सारा प्रोसीजर कर दिया जाएगा, तो फिर इसको डिश आउट करके भी आपको अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पे एक गीला कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर अच्छे से, ताकि ये गीला कपड़ा रखने के बाद ऊपर ढक्कन रखेंगे, और चारों साइडें कोने तो होते नहीं हैं या जो भी हैं वो सब अच्छे से बंद कर दी जाएंगी, और इसको रख देंगे वहाँ हॉट स्केलेट के ऊपर। देखें अब हमने रख दिया था हॉट स्केलेट के ऊपर, और यहाँ पे रख दिया ऊपर एक पतीला भर के पानी का। आज हमने रखी है तेज़, 5 से 10 मिनट के बाद चूल्हा स्लो करेंगे, जब साइडों से भाप निकलना शुरू हो जाएगी, धीम आँच पे रखेंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, और फिर इसको सर्व कर देंगे। वाइट बिरयानी किस तरह से बनती है, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से मैरिनेशन करनी है, किस तरह से अदहन तैयार करना है, क्या क्या काम करना है, कैसे लेयरिंग करनी है, वो सब मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। फाइनल सर्विंग रह गई है, वो भी बस आपको दिखा दें, थोड़ी देर में हमारे साथ बने रहें। हैप्पी बर्थडे विनीशा भाई, वाइट बिरयानी के ब्लॉग के अंदर जो है हम विनीशा की बनाई है हमने बर्थडे, और ये देखें ये है विनीशा, विनीशा ये देखें आप, ये विनीशा है, और ये देखें एक और बर्थडे होने जा रही है विनीशा की, और ये विनीशा ने केक काटा, विनीशा का केक। माशाल्लाह से हमारी वाइट बिरयानी रेडी हो चुकी है, और अब हम इसको निकालेंगे एक सर्विंग ट्रे में, प्लेटर कह लें या सर्विंग ट्रे कह लें। ये देखें माशाल्लाह से लाजवाब, क्या इसका ज़बरदस्त सी भाप उठ रही है, और ये देखें बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं होती, ये थोड़ी सी स्पाइसी कमी होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। ये देखें आप, इसको मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा, और फिर इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी वाइट बिरयानी तैयार हो गई, हमने एक एक चीज़ आपको बताया कैसे मैरिनेशन करनी है, किस तरह से कौन सा स्टेप लगाना है, कैसे आपने लेयरिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, जब आप ये वीडियो देखें तो उसको लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा, और पीछे बहुत गहमा गहमी क्योंकि आज बर्थडे है विनीशा की, उसी की बर्थडे की खुशी में ये वाइट बिरयानी बन रही थी, तो हमने सोचा इसका ब्लॉग कर लिया जाए। मेरे चैनल हारिस उस्मानी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत शोर है, जल्दी से वीडियो को वाइंड अप करते हैं ताकि और शोर ना बढ़े, और बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन,
बिहाइंड द फूड, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा ही चैनल है, जाए उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत रश है, बहुत रश है। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।